ये विशेष कमरा है, ये मुगल आर्किटेक्ट में है। इस कमरे के अंदर शाहजहाँ जब कभी भी आया करते थे दिल्ली आगरा से ग्वालियर जब आते थे तो विशेषकर वो इस कमरे के अंदर ठहरते थे। देख रहे हैं गोल गोल, ये उस जमाने की चक्कियाँ हुआ करती थी जो कैदियों द्वारा चलवाई जाती थी आटा पीसने के लिए। अब इस किले के ऊपर मराठाओं ने आक्रमण किया था, उस जल के अंदर राजा भीम सिंह राणा शहीद हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ जहांगीर महल पर, जो कि मेरे पीछे देख सकते हो ये है उस शाहजहाँ महल का द्वार और उसके बगल में लगा हुआ है शिलालेख, जिसको आप पढ़कर इसकी जानकारी पूरी ले सकते हो। और चलते हैं इसके अंदर और गाइड की सहायता से हम आज इसको विजिट कराने वाले हैं। ये देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं शाहजहाँ महल देखने के लिए। ये देखिए एक काफ़ी अद्भुत बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का टोटली मुगल आर्किटेक्ट में है। ये मुगल आर्किटेक्ट ने बनाई हुई बिल्डिंग ही देखिए। अभी ये देखिए ये चौकोर है, इसके अंदर चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं और ये एक विशेष कमरा है। शाहजहाँ जब कभी भी आगरा और दिल्ली से ग्वालियर आया करते थे तो विशेषकर वो इस महल में रुका करते थे। और बाकी के जो आप कमरे देख रहे हैं, इन कमरों के अंदर उनके सारे जो सोल्जर्स हुआ करते थे, मुगल सैनिक हुआ करते थे, वो इन सारे कमरों के अंदर निवास किया करते थे, जो किले की सुरक्षा किया करते थे। ये देखिए इस किले में सामने एक टैंक आप देख रहे हैं, एक टैंक बना हुआ है। और अभी हम लोग देख रहे हैं शाहजहाँ महल देखने के लिए, जिसमें शाहजहाँ रुका करते थे। और वहाँ से हम लोग इस किले का एक काफ़ी अच्छा व्यू देखेंगे जो किले की घाटी को दर्शाता है। ये देखिए, ये देखिए आप देख रहे हो ऊपर पट्टियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी इस बिल्डिंग को काफ़ी मरम्मत की आवश्यकता पड़ी हुई थी, तो इसके लिए ये ती लगा दिए गए हैं। ये पट्टियाँ काफ़ी पुरानी हैं, चटक गई हैं, इसके लिए गाटर डाल के ये इसमें गाटर डाल दिया गया है ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे। आइए, ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये शाहजहाँ महल है। ये देखिए ये विशेष कमरा है, ये मुगल आर्किटेक्ट में है। इस कमरे के अंदर शाहजहाँ जब कभी भी आया करते थे दिल्ली आगरा से ग्वालियर जब आते थे तो विशेषकर वो इस कमरे के अंदर ठहरते थे। यहाँ से आप एक दृश्य देखिए, ये देखिए इसमें विशेष बात देखिए, कमरे देखिए, ये दरवाजे देखिए। अब ये दरवाजे जो आप देख रहे हैं ये सारे दरवाजे एक ही शेप में बनाए गए हैं। ये मुगल आर्किटेक्ट की एक पहचान है, मुगल शैली की बिल्डिंग है और ये सब दरवाजे एक मुगल शैली के अंदर बनाए गए हैं, जो एक ही शेप के अंदर बनाए गए हैं। यहाँ से देखिए, अभी ये देखिए ये ग्वालियर शहर का व्यू है। ये देखिए अभी ये ग्वालियर किले का एक रास्ता है जिससे लोग पैदल किले पे आया करते हैं। इस किले के दो रास्ते दिए गए हैं, एक उरवाई गेट जिससे लोग बाई कार किले के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये एक उस जमाने का शाही रास्ता हुआ करता था जिससे राजा महाराजा अपने लाभ लश्कर के साथ हाथी घोड़ों के साथ इस किले के ऊपर प्रवेश किया करते थे। ये उस दौर का VVIP गेट हुआ करता था जो सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करता था। ये देखिए ये टैंक बना हुआ है। इस किले में इस टाइप के टोटल 12 टैंक है किले के चारों तरफ। ये जो किला है ये 7 square miles के एरिया में है और ये टैंक विशेषकर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये टैंक के अंदर पानी इकट्ठा हुआ करता था। इस किले में 12 टैंक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कभी पानी की कमी महसूस नहीं हो। और इस किले पर इतनी ज़मीन हुआ करती थी, यहाँ पर हर जगह अन्न के भंडार हुआ करते थे, हर जगह अन्न भरे रहते थे, तो ये किला एक बहुत बेहतरीन किला था। अगर कोई भी आक्रमणकारी इस किले पर आक्रमण करता था तो इस किले में इतनी सहूलियत हुआ करती थी कि कोई भी राजा किले के मुख्य गेट बंद करके किले के अंदर 3 साल तक बगैर बाहर निकले अपना जीवन यापन कर सकता था। हाँ, अभी हम लोग चल रहे हैं जहांगीर महल देखने के लिए। जहांगीर महल जिसको अकबर के पुत्र सलीम, जो मुगल आजम में अनारकली के अंदर था, जिससे जो अनारकली से मोहब्बत करता था, बाद में उसका नाम पड़ गया जहांगीर, इसने ये महल बनाया है। ये जहांगीर का गर्मियों का एक पैलेस था, समर पैलेस ऑफ जहांगीर, जिसको हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं। अंकल इस किले पर कितने राजाओं ने कब्जा राज किया है? इस किले पर टोटल 110 और प्लस दो राजा थे। एक थे राजा सूरसेन जो इस किले के सबसे पहले राजा थे, और आखिरी राजा थे सिंधिया, जिनका नाम था सर जीवाजी राव सिंधिया, जो आखिरी शासक थे आज़ादी के पहले। इसके बीच इस किले पर टोटल 110 प्लस 2 112 राजाओं ने राज किया था इसके अंदर।
जिसमें 6 अलग अलग वंशों के थे, गुप्ता, प्रतिहार, गुर्जर, उसके बाद ये आपके आए थे तोमर, उसके बाद लोधी, मुगल्स, मराठा। ये देखिए अब हम लोग चल रहे हैं जहांगीर महल देखने के लिए। ये बहुत अद्भुत महल है और यहाँ से आप किले का एक मनोरम दृश्य देख सकते हैं नीचे का। यहाँ आप देखेंगे कि राजा मानसिंह ने अपनी जो नवी रानी थी, जिसको हम लोग कहते हैं मृगनयनी, जिसकी आंखें एक हिरनी जैसी हुआ करती थी और उसका नाम था नन्नी, तो राजा मानसिंह ने उसको प्यार से एक नया नाम दिया था मृगनयनी, हिरनी जैसी आंखों वाली एक अद्भुत सुंदरी। यहाँ से आप देखिए नीचे जो आपको महल दिखाई दे रहा है, देखिए ये महल मृगनयनी का महल है, जिसको हम लोग कहते हैं गुजरी महल, क्योंकि वो गुजर वंश की थी, इसी में रही थी राजा की हाँ नवी रानी। अब इस महल को एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कन्वर्ट करवा दिया गया है, इसके अंदर एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम खोल दिया गया है। और ये देखिए नीचे किले का मनोरम दृश्य देखिए आप, जो हम किले की सबसे ऊंचाई के ऊपर से देख रहे हैं। आई अब हम लोग देख रहे हैं चलने के लिए, अब हम लोग चलेंगे देखेंगे जौहर कुंड। चक्कर चक्की बनी हुई है ना, हाँ ये चक्कियां बनाई गई थी। ये देखिए सामने आप, ये उस वक्त जो कैदी वगैरह यहाँ पर हुआ करते थे, क्योंकि मुगल शासन के टाइम पे इस किले को एक जेल के रूप में भी तब्दील कर दिया गया था और यहाँ काफी कैदियों को रखा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये उस जमाने की चक्कियां हुआ करती थी जो कैदियों द्वारा चलवाई जाती थी आटा पीसने के लिए। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये सैनिकों के अस्त्र शस्त्र रखने के लिए कमरे वगैरह बनाए जाते थे, जिसके अंदर यहाँ पर जो मुगल सैनिक हुआ करती थी वो अपने शस्त्र हथियार वगैरह रखा करती थी शस्त्रों कमरों के अंदर। ये किले के चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं ताकि सैनिक वगैरह अपने हथियार वगैरह उसमें रखा करते थे, ताकि कोई भी आक्रमणकारी जब इस किले पर आक्रमण करता था तो उस वक्त फौरन ये हथियार लेके अपना बचाव करना शुरू कर देते थे। अब हम लोग कौन सा ये बंद करवा दिया, ऊपर कम वो कमरा है ऊपर क्षतिग्रस्त हो गया है इसलिए बंद करवा दिया गया है। इसमें काफ़ी बिल्डिंग डैमेज बिल्डिंग है, वो काफ़ी बिल्डिंग के थोड़ा उसके अंदर है, तो लोग थोड़ा क्या यहाँ पे ASI वाले भी कहते हैं भाई छतों पे जाना अलाउ नहीं है, इसलिए छतों पे वो प्रवेश नहीं करने देते, इसलिए सारी छतें बंद करवा दी गई हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, ये बिल्डिंग अंग्रेजों की एक गोला बारूद बनाने का कारखाना हुआ करता था। ये इटालियन आर्किटेक्ट है, रोमन आर्किटेक्ट के अंदर बनाई गई है। यहाँ पे इस बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हुआ था तो जिसमें छत वगैरह उड़ गई थी, तो बाद में इसको ASI ने इसको प्रिजर्व किया है, इसको नई टीन शेड डलवाई गई है इसके अंदर। और ये देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए ये जौहर कुंड है। देखिए अभी ये 1232 में जब इल्तुतमिश आए थे यहाँ पे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, उस वक्त राजपूत जो महिलाएं थीं उन्होंने इस जौहर कुंड के अंदर अग्नि स्नान किया था। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं छतरी, ये है भीम सिंह राणा की छतरी। भीम सिंह राणा एक जाट राजा थे जो गोहद के राजा थे, जो ग्वालियर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर गोहद है, वहाँ के राजा थे। उन्होंने ग्वालियर शहर में 2 साल राज किया था, 1754 से 1756 तक। और जब इस किले के ऊपर मराठाओं ने आक्रमण किया था, उस जंग के अंदर राजा भीम सिंह राणा शहीद हो गए थे, तो उनके जो पूर्वज थे उन्होंने उनकी याद में ये बिल्डिंग बनवाई है। राजा भीम सिंह राणा की मृत्यु जो हुई थी वो रामनवमी के दिन हुई थी, तो इस किले के ऊपर हर वर्ष रामनवमी में एक काफ़ी बड़ा उत्सव होता है, काफ़ी जाट समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर अपना एक उत्सव मनाया करते हैं। ये देखिए ये किले का मनोरम दृश्य देखिए आप, ये कितना अद्भुत दृश्य है। और ये देखिए सामने देखिए आप, ये देखिए ये दृश्य देखिए आप, ये हम जो देख रहे हैं शाहजहाँ महल, हमने इसको भीतर से देखा था, ये बाहर का हिस्सा है, बाहर के हिस्से को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये गेट मुगल शैली के अंदर बना गया है, बाहर का गेट मुगल शैली में बनाया गया है, उसके अंदर एक दूसरा गेट दर्शाया गया है वो हिंदू शैली में बनाया गया है, हिंदू और मुगल शैली का ये नायाब नमूना है। और ये ऊपर सारे वॉच टावर हैं,
इन टावरों के अंदर उस वक्त सैनिक वगैरह खड़े होकर अपना पहरा दिया करते थे, ड्यूटी किया करते थे, जो फोर्ट को प्रोटेक्ट किया करते थे। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।